भरतनाट्यम में जो चीज़ अट्रैक्ट करती है लोगों को वो है उसकी वर्सिटैलिटी। ये ऐसी एक नृत्य की भाषा है जिसके माध्यम से आप कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और कुछ भी बात आप बता सकते हैं। ये तो है हमारी जो माइथोलॉजी है, राधा कृष्णा शिवा पार्वती उन सब की कहानियाँ, वो सब तो बता ही सकते हैं, लेकिन इस ये जो लैंग्वेज है वो भाव और नृत्य का इक्वल इम्पोर्टेंस है। तो इसको हम एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इसको हम बहुत स्ट्रांग मानते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ बहुत एक खासियत है भरतनाट्यम में। आपका रमा जी सफ़र कैसे शुरू हुआ था भरतनाट्यम का? मेरा सफ़र ऐसा शुरू हुआ, मैं एक साउथ इंडियन फैमिली में मैंने जन्म लिया, तो साउथ इंडियन फैमिलीज़ में यूजली लड़कियों को गाना या नृत्य भरतनाट्यम सिखाते हैं, तो उसी तरह मुझे भी मेरी मम्मी ने भरतनाट्यम क्लासेस में ज्वाइन किया। और मेरी जो गुरु यामिनी कृष्णमूर्ति, वो जो बहुत ही विख्यात नृत्यांगना है, तो मेरी बहुत ही एक खुशकिस्मती है कि मुझे उनका मतलब उनके 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 साथ मैं रही 14 साल और उन्होंने मुझे सिखाया। और उसके बाद ऐसा होता है कि आमतौर से जब लड़कियां शादी कर लेती हैं तो उसके बाद फिर उनका जो नृत्य का जर्नी है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं। और ऐसा हो सकता है कि जो फैमिली में लड़की जाती है वो शायद उसका जो मकसद है वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि मेरा जो डांस करियर है वो शादी के बाद ही पिकअप हुआ। क्योंकि मेरी जो शादी हुई तो मेरे हस्बैंड के माता जी पद्मभूषण गुरु सरोजा वैद्यनाथन, बहुत ही विख्यात गुरु, और उन्होंने गणेश नाट्यालय का स्थापना कुछ 35-40 बरस से उन्होंने अभी किया है, तो मैं उनके साथ फिर जुड़ गई और उन्होंने ही मुझे फिर गाइड किया आगे का सफ़र उन्होंने मुझे गाइड किया।